नमस्कार, मैं अनूप आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कॉमन मेडिकल टर्म्स के बारे में। जैसे आप सभी को मालूम होगा कि आप डिजीज को क्या बोलते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में, अपने आम भाषा में आप क्या बोलते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि उसी को आप मेडिकल टर्म्स में कैसे बोल सकते हैं, या कोई डॉक्टर आपके प्रिस्क्रिप्शन पे लिख रहा है कोई डिजीज, तो आप समझ सकते हैं कि उस डिजीज का मतलब क्या होता है, या जो मेडिसिन आप ले रहे हैं वो मेडिसिन किस ग्रुप में जा रहा है, कौन से मेडिकल टर्म से वो कोरिलेट है। तो इस वीडियो में इसी के बारे में पूरे फुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखें। से एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन करें ताकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले देखते हैं कि कुछ कॉमन मेडिकल टर्म्स, इंपॉर्टेंट मेडिकल टर्म्स है जो आपको मालूम होने चाहिए। अगर पॉसिबल है तो आप इसे कॉपी पेन लेकर के नोट भी कर सकते हैं, जो आपको आगे फ्यूचर में काम भी आ सकता है, कहीं ना कहीं इसका जरूरत पड़ ही जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक का मतलब क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, एंटीपायरेटिक का मतलब होता है मेडिसिन को बोलते हैं जो मेडिसिन, जो दवा जो होती है वो बुखार को कम करने के लिए ली जाती है, उसे बोलते हैं एंटीपायरेटिक मेडिसिन। अगला जो है वो है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक किसे बोलेंगे तो एनाल्जेसिक उन मेडिसिन को बोलते हैं जो मेडिसिन आप दर्द को कम करने के लिए लेते हैं, उसे बोलते हैं एनाल्जेसिक। अगला जो मेडिकल टर्म है वो है हाइपरटेंशन। आपको हाइपरटेंशन का मतलब मालूम ही होगा, जो ब्लड प्रेशर होता है जिसे आप आम भाषा में बीपी बोलते हैं, वो क्या होता है इंक्रीज कर जाता है, तो बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को बोलते हैं हाइपरटेंशन। और हाइपोटेंशन किसे बोलते हैं, हाइपोटेंशन के बारे में आपको किसी ने बताया नहीं होगा, हो सकता है आपको मालूम भी होगा लेकिन मैं आप फिर से बता दे रहा हूँ। हाइपोटेंशन का मतलब होता है कि ब्लड प्रेशर जो होगा वो कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, उसे बोलते हैं हाइपोटेंशन। अगला मेडिकल टर्म है वो है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का यूज तब किया जाता है जब माइक्रोब्स होते हैं उनके ग्रोथ को क्या किया जाता है कि इनहिबिट किया जाता है, मतलब उसको ग्रोथ को रोकने के लिए और उन्हें मारने के लिए एंटीसेप्टिक का यूज किया जाता है, तो वो हो गया एंटीसेप्टिक। अगला जो है वो हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस का मतलब क्या होता है, हेपेटाइटिस का मतलब होता है कि जो लीवर होता है, लीवर में क्या होता है इन्फ्लामेशन हो जाता है, लीवर में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे हम लोग डिनोट करते हैं मेडिकल टर्म में हेपेटाइटिस। इसके अलावा अगला जो है वो है एनेमिया। एनेमिया किसे बोलेंगे तो एनेमिया में क्या होता है कि खून की कमी होता है शरीर में, तो उसे बोला जाता है डॉक्टर द्वारा या जो मेडिकल टर्म है उसका वो है एनीमिया। अब जो है वो है एंटी नियोप्लास्टिक। तो एंटी नियोप्लास्टिक के ग्रुप में वो दवा आती है, वो मेडिसिन आती हैं जो जो कैंसरस सेल होते हैं उनको इनहिबिट करने के लिए, मारने के लिए जिसे यूज किया जाता है, जो मेडिसिन यूज किया जाती है उन्हें रखा जाता है एंटी नियोप्लास्टिक कैटेगरी में। तो ये हो गया एंटी नियोप्लास्टिक। तो एंटी नियोप्लास्टिक आते से ही आप समझिए कि उसमें जो मेडिसिन आएंगी वो आएंगी कैंसर से रिलेटेड, जो मेडिसिन आएंगी उसे उन उसमें रखा जाएगा, उन कैटेगरी के ड्रग को उसमें रखा जाएगा। अगला जो है वो है एलोपेसिया। एलोपेसिया का मतलब आपको मालूम ही होगा कि गंजापन, बाल का उड़ना। इसके आगे जो है वो है ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि ब्रोंक्यूल्स का कंस्ट्रिक्ट हो जाता है जिसकी वजह से सांस लेने में परेशानी होती है, तो ये हो गया ब्रोंकाइटिस। अगला जो टर्म होगा वो होगा एंजाइना। एंजाइना में क्या होता है कि चेस्ट में पेन होता है, चेस्ट रिलेटेड पेन में जो ड्रग यूज की जाती है उसे रखा रहता है एंजाइना ग्रुप में। तो एंजाइना का मतलब आप समझ गए, एंजाइना का मतलब होता है चेस्ट में पेन। और इसके अलावा जो अगला जो गैस्ट्रिक, तो गैस्ट्रिक का मतलब क्या होता है कि इन्फ्लामेशन हो जाता है स्टमक में, तो स्टमक में इन्फ्लामेशन होगा उसे हम बोलेंगे गैस्ट्रिक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेडिकल टर्म्स है जिसको मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करी है। अगर आप चाहते हैं कि इन सारे ग्रुप का मैं मेडिसिन भी बताऊं कि कौन कौन सा मेडिसिन किस ग्रुप में आते हैं, इनमें जैसे कि एनाल्जेसिक में कौन ग्रुप आएगी, एंटीपायरेटिक्स में कौन से ग्रुप की मेडिसिन आएंगी, तो उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। और आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो मैंने सारी चीज़ बताने का कोशिश करा है। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन करें ताकि आने वाले वीडियो की हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।